क्या आप लोग कम पैसों में विदेश में पढ़ाई करना चाहेंगे? तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में चार मेन एजुकेशन बोर्ड्स हैं, CBSE, ICSE, IB एंड IGCSE। और इसके अलावा लगभग हर स्टेट का अपना एजुकेशन बोर्ड है। तो अगर एक अजम्पशन भी ले लें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे देश में करीब 30 एजुकेशन बोर्ड्स हैं, जिसमें CBSE सबसे बड़ा माना जाता है, या जो पूरे देश में पूरी तरह से और सबसे बड़ा है। अगर हम ये बात करें कि पिछले साल कितने स्टूडेंट्स ने हमारे CBSE बोर्ड में एग्ज़ाम दिया था, तो हम ये कहेंगे कि करीब 17 लाख, 17.5 लाख बच्चों ने दिया था। बट इन टोटल अगर सारे एजुकेशन बोर्ड्स की बात कर लें तो करीब 1.4 करोड़ बच्चों ने क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया था। अब आप खुद सोचिए कि इतने बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं तो क्या हमारे देश में कॉलेज के लिए, इतने बच्चों के लिए सीट्स हैं? नहीं। तो फिर एडमिशन कहाँ से होगा? अब इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है निराश होने लगते हैं। अब आप सोचिए, बचपन से हम बच्चों को कहते हैं पढ़ो पढ़ो, जिससे तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। अब बच्चा पढ़ रहा है, रिजल्ट भी ले आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चाहे कारण कुछ भी रहे, कोई रिजर्वेशन को दोष देता है, कोई मतलब अच्छे कॉलेजेस की कमी, कोई फाइनेंस फंडिंग को दोष देता है, लेकिन कारण कुछ भी रहे, सच्चाई ये है कि उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। और बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता, ज़्यादातर बच्चों को नहीं मिलता। और हम यहाँ पे उन बच्चों की बात नहीं कर रहे जिनकी परसेंटेज बहुत कम हो, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो 70%, 80%, 90% वाले बस स्टूडेंट्स हैं। तो अगर 80% वाला स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा तो क्या वो बच्चा ख़राब है? नहीं, 80% बाय एनी स्टैंडर्ड्स खराब रिजल्ट नहीं है। ये बात सही है कि हर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है, बट 80% वंस अगेन इज नॉट अ बैड रिजल्ट। लेकिन ऐसी जो परिस्थितियां हमारे देश में बनी हुई, तो वो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना। फिर वो सोचता है कि चलो विदेश चला जाए, बट फिर ऐसे में उसको ये लगता है कि भाई विदेश में तो सिर्फ अमीर परिवारों के बच्चे ही जा सकते हैं, जबकि ये पूरी तरह से ये सच नहीं, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज, सही तरह की प्लानिंग से आपको दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे देश के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, कोई 95% लेने वाला है, उसको भी कई बार मन मुताबिक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता या मन मुताबिक कोर्स में नहीं मिलता, तो वो उस कॉलेज के लालच में अपना कोर्स चेंज कर लेता है। क्यों? ये तो गलत है। आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, केवल एक 3 साल के लिए उस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ने की वजह से आपने अपनी पूरी लाइफ के लिए सब बदलाव कर दिया, तो क्या ये डिसीजन सही है? और अगर आप कोशिश करते कि क्या पता हमारे देश की ना सही, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की कोशिश तो करते, लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि आपको सही नॉलेज नहीं थी। तो आज मैं आपको वो 4 तरीके बताऊंगा, 4 स्टेप्स, जिनसे आप कम पैसों में विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर सुनना चाहेंगे, तो उसके लिए जल्दी से पेन और पेपर ले आइए और फिर हम शुरू करते हैं। तो हेलो ऑल, आई एम कपिल गुप्ता, फाउंडर ऑफ स्टडी अब्रॉड एकेडमी, हु इज़ ऑन अ मिशन टू कोच एंड मेंटर 100,000 हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू हेल्प देम गेट एडमिशन इन द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड बिल्ड हैप्पी करियर्स। तो आज जो है, मैं आपके साथ वो 4 स्टेप्स टेम्पलेट आपको दूंगा, जिससे आप एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में एक बेहतर एजुकेशन, अपने कोई ग्लोबल
एक्सपोजर के साथ और अच्छा करियर, अच्छी लाइफ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और आप सब लोग अब तैयार होंगे उन चीज़ों को नोट डाउन करने के लिए। और अगर बीच में आपको ये वीडियो पॉज करना पड़े क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं, तो हिचकिएगा मत, करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि फिर जो मैं ये बात आज कर रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि भाई कैसे, पैसे तो हैं या कम पैसे हैं। और कई बार बच्चा सोचता है, अपने आप ही ये चीज़ अंदाज़ा लगा रहा होता है कि भाई मेरे माता पिता क्या मेरा ये शौक़ पूरा कर पाएंगे, या शौक़ भी नहीं, मेरी ये इच्छा पूरी कर पाएंगे, मेरे को इतना सपोर्ट कर पाएंगे कि मैं विदेश में जाके पढ़ सकूं। और वो सुनी सुनाई बातों पे अपना जो है हिसाब किताब कर रहा होता है। तो आज, और या वो ये सोच रहा होता कि भैया कोई स्पॉन्सर मिले, हमारा तो कोई रिश्तेदार है नहीं जो विदेश में रहता हो जो हमें स्पॉन्सर कर दे, तो फिर हमारे लिए तो ये संभव ही नहीं। तो इट बिकम्स वर्स कि भाई ये बहुत मुश्किल होता जाता है एक अच्छा स्पॉन्सरर ढूंढना और फिर अपने इस प्लान पर आगे बढ़ना। अब क्योंकि वो ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने कहा कि वो अपने पेरेंट्स को भी बर्डन नहीं करना चाहते और उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि इस आर्थिक तंगी की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से अपने इस सपने को कैसे पूरा किया जाए। तो हमें अक्सर बच्चों के सवाल मिलते हैं पूरे देश से कि भाई आप बताइए, हमारे पास पैसे कम हैं या बहुत ही मतलब ना के बराबर है, या हम अपने माता पिता पे बर्डन नहीं बनना चाहते। तो इसीलिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमारे साथ अपनी जो कंसर्न्स हैं, जो अपने डाउट्स हैं, वो शेयर करिए। हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट लिखिए, हमसे सवाल करिए। हमारे, मैं हर बार और आज भी कह दूंगा, हमारे इंस्टाग्राम चैनल है, आप उस पर जुड़िए हमारे साथ। और हम बिल्कुल लगातार इस कोशिश को करेंगे कि आपके सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से हम दे सकें, जिससे आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। तो चलिए पहले तो इस चीज़ पे शुरू करते हैं। और वो पहली स्टेप क्या है? वो पहली स्टेप है रिसर्च। कि थोड़ी, अब आजकल सबके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है तो गूगल पे रिसर्च करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन कई बार ये समस्या आ जाती है कि रिसर्च करनी है लेकिन करें क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या आपने नीड ब्लाइंड एडमिशंस के बारे में सुना है? और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना हो, क्योंकि इस तरह के एडमिशन पॉलिसीज अक्सर इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन पर, मतलब कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। तो अगर आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं, आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो कम से कम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स यानी आर्थिक तंगी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, और सही कहूँ तो रोकना भी नहीं चाहिए। वहीं पर हमारे जैसे काउंसलर्स आपकी मदद के लिए आगे आते हैं, जो ये चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, मेहनती हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ड्रीम लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उनकी हर संभव मदद कर सकें। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको एडमिशन मिलेगा तो पूरी तरह से मेरिट पे, इसलिए नहीं कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आप उस कॉलेज की फीस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है क्या आप इतने काबिल हैं, क्या आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि आप वहाँ के उस कॉलेज के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप मेरिटोरियस स्टूडेंट में आ जाएं, तो ये देखना होगा। और ये पॉलिसी यूजुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फॉलो होती है। इनिशियली ये केवल अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन हाँ, अब कुछ कॉलेजेस जो हैं आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी इस पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें कॉलेजेस कौन से हैं तो आप हैरान रह जाएंगे नाम सुनकर, हार्वर्ड, MIT,
प्रिंसटन, येल यूनिवर्सिटी। बस हाँ, रिसर्च के दौरान आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं वहाँ पे जो इस तरह के एडमिशन्स इस पॉलिसी के अंडर दे रहे हैं। तो और अगर आप उन आपकी मार्कशीट के हिसाब से, आपके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर मनी तो कोई समस्या ही नहीं, आपको प्रॉपर स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इफ़ यू डोंट हैव इनफ मनी, तो आप अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप रिसर्च कैसे करेंगे कि भाई आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ढूंढिए और देखिए किन की फीस कम है, कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉलेज की फीस अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में किसी फेक कॉलेज की तरफ मत चले जाइए, राइट। तो यानी हमें इस बात का भी साथ साथ ध्यान रखना है कि हम एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और उसके लिए आप हमारे जैसे कंसल्टेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं, आप उस कंट्री की एम्बेसी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे, और फिर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देती हैं। तो इस तरह से आप रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि पैसे के अलावा कि आप अगर कम पैसों में जाना चाहते हैं, तो समय कि आप जल्दी का समय लीजिए। जल्दी का समय मतलब ये नहीं कि आपको 6 महीने बाद जाना है, इतनी जल्दबाजी आप कम से कम 2 साल 3 साल पहले शुरू करिए। आप देखिए कि भाई आप जिससे आपको रिसर्च करने का टाइम मिल जाए, आपको उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ ईमेल एक्सचेंज करने का टाइम मिल जाए, और आप समय रहते सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है तैयार कर सके और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सके, जिससे कहीं का भी एडमिशन जो है आपका, कोई अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब है, कोई अवसर आपका मिस ना हो। और इसी तरीके से क्योंकि हम जब आप अलग अलग जगह का पता करोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा हो सकता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में यूनिवर्सिटी के लिए कोई एग्ज़ाम देना पड़े, उस एग्ज़ाम को आप यहाँ फीस होगी। तो अगर आप, और यूजुअली क्या होता है, हर एग्ज़ाम के मिनिमम 2 ईयर्स तक स्कोर्स वैलिड रहते हैं, तो यानी 2 साल में आपने अपना प्लान करके, अच्छे से तैयारी करके और उन एग्ज़ाम्स को दिया अपने सारे, और तो जितना अच्छा रिजल्ट आप ले पाओगे, क्योंकि कई बार कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन स्लो का मतलब इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए कि डेट ही निकल जाए। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक इतना कम से कम 2 साल का पीरियड लेके चलिए जिसमें, और अगर 3 साल लेंगे तो 1 साल रिसर्च के लिए आपको मिल गया, फिर 2 साल एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए आपको मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और फिर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे इसमें एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है, आपको LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, वो आपका कितना अच्छा है, आपका आइल्स का स्कोर, SAT का स्कोर, TOEFL का स्कोर, PTE का स्कोर, ये कितने अच्छे स्कोर्स हैं, कितना, जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस होंगे। फिर आपने कितने अच्छे से अपना एप्लीकेशन लेटर लिखा है, ठीक है ना, और आपने अपने आप को ग्रूम कैसे किया है। पता चला आपने सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई की है, तो विदेशों में ऐसा नहीं होता जैसे भारत में होता है कि आपने बस मार्क्स अच्छे ले आए और आपका एडमिशन हो गया, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ वो आपको ये भी देखेंगे आपका एक्स्ट्रा करिकुलर कितना अच्छा है, आपकी हॉबीज़ कौन सी हैं, आप अपने उस सब्जेक्ट के लिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आप कितना सीरियस हैं, आपका एप्टीट्यूड क्या है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी के लिए। तो ये सारी चीज़ें, और फिर आपका रिजल्ट, रिजल्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th के बाद का या 12th का रिजल्ट, वो देखेंगे अच्छा 9th में कैसा था, 10th में कैसा था, तो वो आपकी एक्चुअली सिंगल रिजल्ट की बजाय वो आपकी जर्नी को स्टडी करना चाहते हैं, और ये बहुत इम्पैक्ट करता है। फिर तीसरा पॉइंट, जब ऑब्वियसली पैसे कम हैं तो स्कॉलरशिप्स देखनी पड़ेंगी, अब जो एजुकेशनल लोन्स देखने पड़ेंगे। अब हमारे देश में
खास तौर पे जो नेशनलाइज बैंक्स हैं वो एजुकेशन लोन्स देते हैं लड़कियों को, खास तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ठीक है ना। और स्कॉलरशिप्स केवल गवर्नमेंट या जैसे हमने कहा, एक तो जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से स्कॉलरशिप मिल सकती है। आप हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, फिर अलग अलग राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ स्कॉलरशिप्स देती हैं, और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए कॉरपोरेट भी आगे आते हैं और उनको स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन जैसा हमने पहली स्टेप में कहा, आपको ये हर चीज़ की रिसर्च करनी पड़ेगी, और अगर आप काबिल हैं, आप डिजर्विंग हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ों पे आपको देखना पड़ेगा। और लास्ट फोर्थ पॉइंट, सेव मनी। अगर आप एक बड़ा गोल लेके चल रहे हैं तो कोशिश करिए आप जैसे आखिर में 6 महीने पहले ही सोचेंगे तो कैसे, लेकिन अगर आप 3-4 साल पहले से सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इस चीज़ का, तो फिर आपको समय मिल जाएगा पैसे जोड़ने का, तो जिससे कि उस समय आपके पास कुछ ना कुछ पैसा तो होगा, कुछ स्कॉलरशिप से मिल गया, कुछ एजुकेशन लोन से मिल गया, और कुछ आपके पास अपनी सेविंग्स हैं, तो ये मिलजुल के आपको इस सपने को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अब इसके अलावा जैसे हम कई बार कहते हैं कि भाई मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, कि अगर आपने बचत की है वो भी कमाई के बराबर, तो सिर्फ वहां जाना, कॉलेज की फीस का अरेंजमेंट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता। हम जब बाहर जाते हैं या कहीं भी रहते हैं तो हमारा उसके बाद एक लाइफस्टाइल है, हमें भाई सिर्फ पढ़ाई थोड़ी करनी है, खाना भी है, पीना भी है, रहना भी है, रोजमर्रा की कोई भी जरूरत हमारे आन पड़ सकती है, और हमने माता पिता से बहुत दूर रह रहे हैं, तो उसके लिए, उन चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई पार्ट टाइम जॉब ले लें जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करते। हम ये नहीं कह रहे कि आप जॉब ले लें तो फिर आप उस पैसे को उड़ाना शुरू कर दें, नहीं, कहने का मतलब है कि आप अपनी ज़रूरतों को कम से कम रखें। जैसे अब अगर हम अपने देश में भी रोज़ खाना बाहर खाने बाहर जाएंगे तो भैया पैसे तो लगेंगे, और विदेश में तो जहाँ पे आपको भारतीय खाना विदेश मार्केट में आसानी से नहीं मिलेगा, और जहाँ मिलेगा फिर वो बहुत महंगा होगा, तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप अपनी प्रेपरेशन घर से ही करके चलें, कि आप खाना बनाना वगैरह सब सीख के जाएं, जिससे कि आपको वहाँ पे उस पर कम से कम खर्चा करना पड़े, ठीक है ना। फिर आप अपने टीचर्स की, अगर आप जैसे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आप असिस्टेंट रिसर्चर या अपने कहीं पे एज पार्ट टाइम टीचर या ट्यूशंस भी कर सकते हैं। कोशिश करिए अकोमोडेशन सस्ती मिले, या कोशिश करिए अपनी यूनिवर्सिटी कोई आपको स्टूडेंट हॉस्टल प्रोवाइड कर रही हो या स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही हो, तो इन सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करिए, और ऑब्वियसली अपने खर्चों को कम से कम रखिए। ट्रांसपोर्टेशन की अगर कॉस्ट को कम करना चाहें, अब वो कम कैसे हो सकती है कि भाई आपने अपने जो रहने की जगह है वो कॉलेज के पास देखी, या कम इतनी दूर देखी जहाँ तक आप जितना पैदल में आराम से जा सकते हैं, या वहाँ पे कोशिश करें कि क्या वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कोई स्टूडेंट पास अवेलेबल है तो वो भी आपके काम आ सकता है। फिर आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कॉलेज की लाइब्रेरी में बिताएं। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप लाइब्रेरी से बुक्स लेके पढ़ रहे हैं तो आपका बुक्स का खर्चा कम हो जाएगा। ये बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जो ज़रूरी नहीं होता ख़रीदना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, वो कॉलेज के लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। फिर जाने से पहले ही रिसर्च करिए कि जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं वो कौन से शहर में है, वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है ना। और ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चा ना करें, और इंटरनेशनल कॉल्स करने से बचें, और आजकल तो व्हाट्सएप जैसी सुविधा है, ठीक है, जिसमें आप अपने परिवार से, अपने दोस्तों से
अपने देश में व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हैं, वो तो बहुत ही सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। और फिर कोशिश करिए कि कोई गवर्नमेंट, कोई यूनिवर्सिटी कोई स्पेशल डिस्काउंट्स देती हो, आप ऐसी शॉप्स पे जाइए जो स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट देते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सब तो इन नटशेल आखिर में मैं क्या कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉपरली प्लान करेंगे इंटरनेशनल डिग्री के लिए, और तो कम से कम पैसे की कमी आपको रोक नहीं पाएगी। छोटी छोटी स्टेप से आगे बढ़िए और फाइनली मतलब जब आप प्लान करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि क्या हमने हर रोज़ एक कदम लिया जिससे हम अपने गोल तक आगे बढ़े। और फिर भी कोई समस्या आती है तो हम लोग हैं, हमारे जैसे कंसल्टेंट से आप मिलिए, कनेक्ट करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वाकई अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और बच्चों की भी मदद हो सके। और हमारा ब्रेनियक्स एरुटेक के नाम से इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम इसका लिंक यहाँ पे दे रहे हैं। और अगर आप लगातार हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरा एक फेसबुक वीआईपी ग्रुप है करियर एडवाइज़र हब के नाम से, तो उसमें आप जो है उसका मेंबर बनिए, आप हमसे लगातार जो भी हम शेयर करते हैं वहाँ भी शेयर करते हैं, तो आपको नॉलेज मिलती रहेगी। आप जैसे और स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स वहाँ पे मौजूद हैं जो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, कोई क्वेरी है तो बिल्कुल हमें बताइए। और अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट तो कपिल गुप्ता करियर पॉड शो के नाम से हर पॉडकास्ट चैनल पे, जैसे स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह सब पे अवेलेबल है। तो तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस, बाय।